फिर से एक बार फॉर्मूले जरूर देख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर बुलेट हवा में रही, 2u sin θ/g। रेंज कितनी डिस्टेंस कवर करी, u² sin 2θ/g। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब इस ड्यूरेशन में कौन सी हाइट उसने गेन करी, u² sin²θ/2g। अगर क्वेश्चन में एंगल वर्टिकल से दिया हुआ तो यहां यहां और यहां सभी जगह चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे वो जब न्यूमेरिकल आएगा तब बता देंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, ये सारे फॉर्मूले तब बनते हैं जब एंगल कहां से दिया हो, एक्स एक्सिस से। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ux/g। यहां आता है टू ux into uy/g और ये होता है uy² by 2g। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हम कर लेते हैं 9th क्वेश्चन। स्पेशली पहले हम 9th क्वेश्चन कर लेगा। 9th क्यों कर रहे हैं सुनिए, बुकलेट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ऊपर, उसे लिख लीजिए सभी लोग। सभी लोग लिख लें, आ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ओरिजिन विथ अ वेलोसिटी सिक्सटी मीटर पर सेकेंड इन आर डायरेक्शन बस इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद क्या है, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द वर्टिकल। जो बुलेट फायर की है उसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड और वो जो एंगल बना रही है वर्टिकल से बना रही है 60 डिग्री, जबकि फॉर्मूलों में एंगल हॉरिजॉन्टल से होता है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, थर्टी डिग्री आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में थीटा हम कितना लेके चलेंगे, 30 डिग्री। बस इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले करा दिया जाता है। यू कितना दिया हमें, 60 मीटर पर सेकेंड। जी हमेशा बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब तक आपको जी 9.8 गिवन ना। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin θ/g।
यू की वैल्यू 60, साइन थीटा है 30 डिग्री, बाय जी है 10, 0 से 0 कैंसिल, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 12 × 1/2 6 सेकेंड। ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा है 30 बाय जी की वैल्यू है 10। कुछ बच्चे यहां बहुत बड़ी एक मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं देखो, 60 का स्क्वायर 3600। अब वो क्या करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 × 2, ऐसा होता है क्या कहीं? ये पूरा साइन 60 है कि साइन 30 है? 60 है ना, तो ये पूरा लिखेंगे अगली लाइन में, साइन 60 डिग्री बाय जी की वैल्यू 10, तो 360 × साइन 60 होता है √3/2, तो कुल मिला के आ गया 180√3 मीटर। ये हो गई रेंज। रेंज के बाद थर्ड क्या निकालना है, हाइट। बेटा हाइट कहो चाहे मैक्सिमम हाइट, पूरे मोशन में जो मैक्सिमम हाइट कवर होती है वही ये है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, हाइट का हो चाहे मैक्सिमम हाइट, बात बराबर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो यू का स्क्वायर करेंगे 3600 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10, ये तो 180 हो गया। इसे इरेज कर दूं बेटा, चलो यहां पर एच इक्वल 180 × साइन 30 की वैल्यू हाफ, हाफ का होगा स्क्वायर, फोर फोर जा 16, 17 18, 4 5 जा 20, हाइट हो गई 45 मीटर। तो ये क्वेश्चन बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो हमेशा कहां से दिया रहेगा आपको, वर्टिकल से। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ बेटा बोलिए। सेम नहीं है बेटा, ये वो हाइट है जो 30 डिग्री के एंगल से फायर करने पर मैक्सिमम गेन हुई। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था जब आपने 30 डिग्री के एंगल से बुलेट फायर की तो जो मैक्सिमम हाइट गेन हो पाई ये उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि हाइट तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही ना। ये जो फॉर्मूला है ये कौन सी हाइट निकाल के देता है हमें, हाँ
ड्यूरिंग मोशन मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये जो 45 मीटर कवर हुआ है, ये मैक्सिमम हाइट कवर हुई। इसका मतलब जब बुलेट को आप 60 की स्पीड से फायर करोगे और 30 डिग्री के एंगल से फायर करोगे, तो बुलेट मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा पाएगी? 45 मीटर। आप समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पहले। अब टेंथ में कहा गया, आ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ये रहा पॉइंट विच इज 39.2 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। ये रही बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के फुट से पॉइंट कितनी दूर है? 39.2 मीटर। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 19.6 मीटर। प्रोजेक्टाइल जस्ट रीचेस द टॉप हॉरिजॉन्टली, मतलब जो आपने फायर किया है वो इससे ऊपर नहीं जा रहा, यहां जाके वो कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल, नीचे गिरेगा। फाइंड वेलोसिटी एंड एंगल, हमें दो चीजें फाइंड करना है, थीटा और यू। तो सबसे पहले ये बताइए, इस क्वेश्चन में हमें ये क्या गिवन है? मैक्सिमम हाइट एच, और ये क्या गिवन है? हाफ ऑफ रेंज। रेंज नहीं है बेटा, रेंज क्या होगी इसकी? डबल। भाई यहां से यहां तक है ना 39.2 फुट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक, तो जितनी दूर यहां, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसी रहती है? सेम। तो 39.2 यहां, तो 39.2 यहां। तो 78.4 ये हो गई रेंज। तो आपको हाइट का फॉर्मूला लगाना होगा और रेंज का। अब यहां सुनिए, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी कि 19.6 इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू g है 20, g है 10, तो 2 इंटू 10 20। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 19.6 इंटू 20 इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। याद रखिएगा साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। डेरिवेशन में मैंने आपको सिखाया था
2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ रेंज की जगह क्या आएगा? 78.4। यू स्क्वायर sin 2 थीटा को 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में जी की जगह 10। इसको यहां ले आओ, ये बच्चा। अब बताओ क्या हो सकता है? अब क्या किया जा सकता है? सब्स्टिट्यूशन कर लो। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? इस यू स्क्वायर साइन थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो 784 इक्वल 19.6 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा इंटू 2। पॉइंट हटाया, नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करो। 4 टाइम्स। अब 2 2 जा 4 और 2 से 2 1 टाइम, कुल मिला के कॉस थीटा आ गया 1। 1 बेटा कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 0 डिग्री। नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहे। 1। वही तो गड़बड़ कर रही है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, ये है इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड करो। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 इक्वल 19.6 इंटू 20 अपॉन 784। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन से 1 साइन कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया 10 थीटा इक्वल में, फिर वही काटोगे एंड में 1 आएगा, कैंसिल करने पर 1 आएगा। कैसे आएगा देखो, पॉइंट हटाया 10, 0 से 0, 4 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 10 थीटा 1 आया, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45। तो हम पता, एक आंसर तो आ गया कि एंगल है 45 डिग्री। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, बताइए कहाँ रखने इसकी वैल्यू। फर्स्ट में आ जाए वापस, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल था 19.6 इंटू 20 यू स्क्वायर,
है 45, इक्वल में 196 इंटू 20/10। बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इक्वल में 196 इंटू टू, 1/√2 का स्क्वायर किया तो हाफ 2 यहां ले जाएंगे, यू आ जाएगा √196 इंटू 4। 196 का मतलब 14, 4 का मतलब 2, आंसर आ गया 28 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 12th, जल्दी से इसे नोट करो, उसे और करा दो। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक सीलिंग की हाइट है 25 मीटर और देखना बेटा, यह है सीलिंग जिसकी हाइट है 25 मीटर और ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है विथ अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा गया, सीलिंग से कितनी दूर जाकर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और किस एंगल से करें। तो आप इसे मान लो एक्स, ये हमें निकालना है, तो रेंज कितनी हो जाएगी 2x। तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें u गिवन नहीं था, इसमें u गिवन है। हाइट का फॉर्मूला u square sin square theta by 2g, तो 25 equal 40 into 40, theta given नहीं है, 2, g की जगह 10, तो 5/16 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा √5/4। ठीक है, हाँ बोलिए बेटा। बस एक क्वेश्चन जी खत्म ही हो रहा है, 2 मिनट लगेंगे। इसके बाद रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2θ/g, रेंज की जगह 2x, यू स्क्वायर की जगह 40 × 40, साइन 2θ को फिर वही 2sin θ cos θ, बाय जी की वैल्यू 10। ये कैंसिल हुआ, 2 × 2 = 4, 40 × 2 = 80, इंटू 2 साइन थीटा की जगह √5/4। क्या आप में से कोई बताएगा कॉस थीटा कैसे निकलेगा, जल्दी से। टेंथ क्लास कभी भी
नहीं छोड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था 1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 5/16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 16 में से 5 कम कीजिए, 11/16, या कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट 11/4। यहां रख देंगे, अब हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन।